जामनगर में साउथ आफ्रिका जिम्बाब्वे थी परत आवेला व्यक्तिओना एमिक्रॉन वेरियंट थी संक्रमित छे के नहीं तेनी तपास माटे दर्दीना सैम्पल पुणे लैब खाते मोकलाया छे। उल्लेखनीय छे कि 28 नवम्बरे आ लोको जामनगर आया था। तेमणे 29 नवम्बर रोज शर्दी उधरसना लक्षणों होवाथी प्राइवेट लैबोरेटरी में कोरोना अंगेनो रिपोर्ट करावता तेओ कोरोना पॉजिटिव आया था। आ दर्दी आफ्रिकन देश में आया होवाथी जेएमसी द्वारा दर्दीना संपर्क में आया तमाम ने ट्रेस करवामां आव्या छे। त्यारे आ अंगे स्पष्ट रिपोर्ट आश्रे 4-5 दिवस में आवानी शक्यता छे तेम कोरोना नोडल डॉक्टर एसएस चैटर्जी द्वारा जणાવવામાં આવી છે। જામનગરમાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં ઝિમ્બાબ્વેથી એક વૃદ્ધ જે છે 28 તારીખે જામનગર આવેલ 29 તારીખે એમને માઇલ્ડ તાવ અને શરદીની તકલીફ દેખાતા પહેલા પ્રાઇવેટ લેબોરેટરીમાં કોવિડનો રિપોર્ટ કરાવેલ જે રિપોર્ટ પોઝિટિવ હતો એના પછી જે છે કોર્પોરેશનવાળાએ તાત્કાલિક પગલાં લઈ आ भाई जे आफ्रिकन कंट्री में आवेला होवाने कारणे एमने जीजी हॉस्पिटल में जे आइसोलेशन वॉर्ड छे डेंटल विभाग में त्या एमने आइसोलेट करवामां आव्या छे। ट्रीटमेंट चालू छे अने अहींथी पण आपणे जे छे एना थ्रोट स्वेब ना सैम्पल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे खाते ओमाइक्रॉन वेरियंट छे के नहीं ए तपासवा माटे डब्ल्यूजीएस सिक्वेंसिंग माटे मोकलेला छे। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો મહત્વ